बुलेटिन की शुरुआत में बड़ी खबर पे नजर डालते हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को लेकर सीएम अशोक गहलोत का बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें बयान को विवादित और चुनाव से जोड़कर बताया जा रहा है, जबकि ये बात उन्होंने एक आर्टिकल के रेफरेंस में बोली थी। क्या है वायरल हुए बयान की सच्चाई, देखिए असलियत को बयां करती फर्स्ट इंडिया की ये खास रिपोर्ट। सीएम अशोक गहलोत को खास तौर पर उनकी सादगी के लिए जाना जाता है। उनकी बातों की तारीफ अपनी पार्टी ही नहीं बल्कि विपक्षी पार्टी के नेता भी करते आए हैं, लेकिन उनके एक बयान को सोशल मीडिया पर वायरल किया जा रहा है, जिसमें गहलोत ने एक आर्टिकल का रेफरेंस लेते हुए कहा था कि गुजरात चुनाव में हार के डर से रामनाथ कोविंद को राष्ट्रपति बना दिया गया। हालांकि गहलोत ने ये भी साफ कह दिया कि ये उनके पर्सनल विचार नहीं है। इसके बावजूद गहलोत के इस बयान को जातिगत आधार से जोड़कर दिखाया जा रहा है, लेकिन फर्स्ट इंडिया अब आपको वो पूरा बयान सुनाने जा रहा है। इसे सुनिए और आप खुद सोचिए कि असलियत में गहलोत ने किस पर क्या कहा और किस संदर्भ में कहा। राष्ट्रपति कोविंद जी का जो चुनाव हुआ, कल ही मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था कि क्योंकि चुनाव गुजरात के आ रहे थे, वो पहले घबरा चुके थे कि हमारी सरकार गुजरात में नहीं बनने जा रही है, तो एक के बाद एक अमित शाह जी के हथकंडे सामने आए। उन्होंने सलाह दी होगी, मेरा ऐसा मानना, कि रामनाथ कोविंद जी को बनाया जाति समीकरण बैठाने के लिए और अडवाणी साहब छूट गए। बन्ना अडवाणी साहब को था, देश उम्मीद कर रहा था अब कम से कम अडवाणी साहब को वो सम्मान मिलेगा जिसके वो हकदार हैं, वंचित। नया नाम आ गया, वो उनकी पार्टी का फैसला, मुझे उसमें मेरा व्यक्तिगत कमेंट नहीं है, पर कल मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था उसमें बात लिखी हुई थी कि वोटों का समीकरण बैठाने के लिए इतने घबरा हुए थे मोदी जी, और उसकी पुष्टि ऐसी होती है उसके बाद में कभी वो पानी प्लेन उतार रहे हैं। इसके बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने खुद ट्वीट भी किया और लिखा कि मैं राष्ट्रपति जी का बहुत सम्मान करता हूं, राष्ट्रपति की सादगी और विनम्रता से प्रभावित हूं। लेकिन कुछ मीडिया संस्थानों ने बयानों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया। सूबे के मुखिया के बयान को गलत तरीके से पेश करना वाजिब तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन फर्स्ट इंडिया अपने कर्तव्य को निभाते हुए हर खबर की सच्चाई तक आपको पहुंचाता रहेगा। साथ ही हम दर्शकों से भी अपील करते हैं कि वायरल खबरों पर आसानी से भरोसा नहीं करें। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया।